तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे 8 MCB वाला ये जो बॉक्स है इसमें 8 MCB लगाया जाता है। इसमें 8 में क्या करेंगे, एक एक्सीलेटर लगाएंगे तो एक्सीलेटर जो है 2 MCB का जगह कवर करता है, बाकी 6 MCB लगाएंगे। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं किस तरीके से MCB का कनेक्शन किया जाता है और जो है MCB कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 5 MCB लिया है, 2 10 का और 3 16 का और एक एक्सीलेटर लिया है। एक जो है MCB कम लिया है क्योंकि AC के लिए हमारे पास नहीं है, तो मार्केट से ले आएंगे फिर यहाँ पे लगा देंगे। चलिए इसको लगाते हैं और लगाकर आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं एक्सीलेटर है, इसको एक बार गिराने से लाइट कट जाता है और उठाने से लाइट आ जाता है। और यहाँ देखिए 3 जो है 16 MCB है और 3 10 MCB है। तो 10 MCB हम रूम में लगाएंगे और पावर के लिए 16 एम्पियर का MCB लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं और लगाकर आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों इतना सारा वायर देख के तो आप ऐसे भी घबरा जाते होंगे, तो घबराने का बात नहीं है क्योंकि ये देखिए ये अर्थिंग वाला तार हम तार डालते समय जो है इन्वर्टर का तार अलग कर दिए हैं, अर्थिंग वाला तार अलग कर दिए हैं। तो दोस्तों क्या करना है, ये दोनों को अभी जो है काट कर बराबर करके इसमें टेप लगा देना है। तो क्या करेंगे, इन्वर्टर का तार जो है देखिए क्या करेंगे, इस तरीके से इसको सारे को बराबर काट लेंगे। देखिए बराबर काटने के बाद इसको छील लेंगे, छील कर और क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़कर टेप मार देंगे। इस तरीके से जोड़कर और इसमें क्या करेंगे, टेप मार देंगे। इस तरीके से इसमें टेप मार देंगे। इसका अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगा तो इसको खोल लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसको साइड में कर देंगे। देखिए उसके बाद दोस्तों यहाँ अर्थिंग है, तो अर्थिंग का क्या करेंगे, सबको एक बराबर काट लेना है। जैसे ये अर्थिंग का तार है तो इसको क्या करेंगे, सबको एक बराबर काट लेंगे और इसको बारी से सबको छील देंगे इस तरीके। उसके बाद दोस्तों इसको भी साइड में कर देंगे। साइड में करने के बाद मेन जो तार है ये है। तो दोस्तों तार डालते समय हम क्या किए, अर्थिंग का तार अलग और इन्वर्टर का तार अलग कर दिए। बाकी ये जितने दिख रहे हैं हम रेड कलर का फेस डाले हैं और ब्लैक कलर का न्यूट्रल डाले हैं। ये दो मोटा वाला दो वायर देख रहे हैं, 4 mm का वायर है, ये AC के लिए हम जो है यहाँ पे डाले हैं। तो चलिए दोनों वायर को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ये जितने मतलब रेड कलर का तार है उसको अलग करेंगे यहीं से। देखिए तो दोस्तों देखिए सारे जो रेड कलर का तार है वो क्या किए हैं, हम एक जगह कर लिए हैं, मतलब एक अलग कर लिए हैं। अलग करके और इतना बड़ा नाप लेंगे एक तार को, मतलब जो सबसे छोटा रहेगा उसको छोड़कर बाकी के बराबर एक बराबर इसको काट देना इस तरीके से। देखिए कट गया, इसको अलग कर देंगे। अलग क्या करेंगे, इसको छील लेंगे, अभी इस तरीके से छील कर इसको छोड़ देंगे। दोस्तों इस तरीके से हम छील दिए, छीलने के बाद इसको अलग कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पे ब्लैक तार जो है बचा हुआ है, तो ये सारे ब्लैक तार न्यूट्रल है। यहाँ से हर रूम में न्यूट्रल गया हुआ है, किचन में गया है, लाइट के लिए गया है। तो क्या करेंगे, इसको भी इतने ही बराबर कर और इसको देखिए सबसे छोटा ये है, तो इससे बड़ा ये है। तो क्या करेंगे, जो इससे बड़ा है उतने बराबर इसको सारे को काट लेंगे, इस तरीके से काट लेंगे। काटने के बाद इसको भी सारे को छील लेंगे इसी तरीके से। छील लिए दोस्तों, सारे को छील लिए। अब जो है ये छोटा है तो इसको ऐसे काट लेंगे, इसको छीलेंगे नहीं। यहाँ से एक फेस, एक न्यूट्रल, एक अर्थिंग के लिए, जो सबसे पतला है ये अर्थिंग के लिए डाले हैं नीचे ले जाने के लिए। तो चलिए इसको फिर MCB लगाते हैं। MCB लगाकर उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए MCB बॉक्स जो भी आप लेकर आएंगे तो यहाँ पे एक पत्ती लगा रहता है। देखिए ये पत्ती है, इसको खोल लेना है, इस तरीके से बाहर कर लेना है, बाहर कर और इसको भी खोल लेना है, इसको भी इस तरीके से खोल लेंगे। खोलकर इसको क्या करेंगे, बाहर अलग रख देंगे इसको, ठीक है। तो दोस्तों MCB लगाने का तरीका देखिए, यहाँ पे जो पिन है एक पिन को ऊपर खींच दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, पहले नीचे का बैठा कर और ऊपर से इसको इस तरीके से दबा दिया जाता है। देखिए नीचे से बैठा लेंगे, बैठाने के बाद इस तरीके से ऊपर से दबा देंगे। तो देखिए दबाने के बाद ये कहीं नहीं गिरेगा ना हिलेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 MCB लगा दिए हैं कुल। एक्सीलेटर जो है 2 MCB का जगह कवर करता है। तो देखिए यहाँ पे 6 और 2 8 8 MCB लगा दिए हैं।
6 MCB और एक एक्सीलेटर लगा दिया। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं और कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये जो इन्वर्टर का तार है, इसी इन्वर्टर के तार को अभी इस MCB में कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले साइड में कर देंगे, अंदर कर देंगे। इसका अभी कोई ज़रूरत है ही नहीं, बस MCB तक आता है ये। अब दोस्तों ये पत्ती का काम आप लोग को बताते हैं। देखिए देख 1 2 3 4 5 6 MCB लगा हुआ है, 6 MCB के बराबर इसको तोड़ लेंगे। इतना बड़ा एक्सीलेटर में नहीं जोड़ना है, एक्सीलेटर का कनेक्शन अलग होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से तोड़ लेंगे। देखिए पिला से घुमाएंगे, ऐसे टूट जाएगा। तोड़ने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, ये जितने भी MCB है इसको खोल लेंगे फटाफट। तो दोस्तों MCB जो खुल गया, इसके नीचे क्या करेंगे, इस पत्ती को देखिए इस तरीके से लगाना है, इस पत्ती को इस तरीके से लगाना है, लगाकर और टाइट कर देंगे, सबको टाइट कर देना है इसको, ठीक है, टाइट हो गया। तो दोस्तों AC का जो है ब्लैक कलर का ही दोनों हम 4 mm डाले हैं, तो क्या करेंगे, एक 4 mm जो है रेड की तरफ कर देंगे, क्योंकि इसमें फेस देना है। तो अभी क्या करते हैं, इसको इस तरीके से छोड़ देते हैं। दोस्तों ये जो देख रहे हैं, ये जो दो तार, ये जो है बेल घंटी का है, तो बेल घंटी का कनेक्शन अभी आप लोग को करेंगे, तो उसको भी दिखाएंगे कि किस तरीके से कनेक्शन होता है। तो अब न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को क्या करेंगे दोस्तों, जितने न्यूट्रल है, तो यहाँ देखिए ऊपर एक पत्ती लगा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं एक पत्ती लगा हुआ है। न्यूट्रल को क्या करेंगे, बारी बारी से सबको इसी में टाइट करना रहता है, इसको बारी बारी से सबको टाइट करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों क्या करेंगे, इसको टेप मार लेंगे तार को अच्छे से, देखिए 2-3 जगह टेप मार लेंगे। इसको भी इसी तरीके से टेप मार लेंगे, जाने 2-3 जगह मार लेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों जो न्यूट्रल का तार है, इसको अच्छे से इस तरीके से दबा लेंगे और दबा कर इसको अच्छे तरीके से इसको अंदर कर लेंगे। अंदर करने के बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं, इसको क्या करेंगे, बारी बारी से इसको टाइट करेंगे, इसमें न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल का पत्ती में इसको टाइट करेंगे इस तरीके से। तो थोड़ा अंदर कर लेंगे, अंदर करने के बाद आनते हैं इसको क्या करेंगे, इसमें न्यूट्रल को टाइट करेंगे, बारी बारी से सबको फटाफट टाइट कर देंगे। देखिए एक को टाइट कर दिए, दोस्तों इस तरीके से जो है सारे में न्यूट्रल टाइट कर लेना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से सारे न्यूट्रल को टाइट कर ऊपर तार को दबा देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए फेस है, फेस को भी क्या करेंगे, इसी तरीके से इसी में घुसा लेंगे, इस तरीके से देखिए इसी तरीके से इसमें इस तरीके से डाल देंगे। डालने के बाद दोस्तों इसमें जो है टाइट करेंगे बारी बारी से, खाली एक्सीलेटर छोड़कर। सबसे छोटा तार को क्या करेंगे, इधर किनारे की तरफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, MCB में टाइट करने से पहले इस तार को जो है इस तरीके से मोड़ लेंगे, सारे को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। क्या करेंगे, इस तरीके से इसको बारी बारी से सारे वायर को, जितने भी फेस हैं हमारे पास, सबको क्या करेंगे, बारी बारी से टाइट कर देंगे। देखिए यहाँ हो गया, उसके बाद इसमें और है, तो क्या करेंगे, जो भाई गए हैं उसको इस तरीके से टाइट कर देंगे। दोस्तों इसमें दो दो करना पड़ेगा, क्योंकि MCB यहाँ कम पड़ रहा है, बॉक्स जो है कम पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे दो दो तार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरीके से बारी बारी से सबको टाइट कर देना है, देख रहे हैं आप।
बारी बारी से टाइट कर लेंगे। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे एक एमसीबी बचा है और दो तार बचे हैं। तो दोस्तों नीचे भी एक बोर्ड लगा है, एमसीबी के नीचे भी एक बोर्ड लगा है। तो दोस्तों नीचे भी एक बोर्ड लगा हुआ है, तो उसमें भी फेस चाहिए, तो उसका भी एक तार जो है इसी में हम जोड़ देते हैं। देखिए इस तरीके से जुड़ गए सारे तार। दोस्तों इस तरीके से जोड़ कर और इसमें यहाँ पे जो है तार को दबा दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे एक जो है न्यूट्रल और एक अर्थिंग का तार छूटा हुआ है। तो अर्थिंग का तार ये है, तो अर्थिंग में इसको जोड़ देते हैं। देखिए अर्थिंग में जोड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के तार को क्या करेंगे, इसी न्यूट्रल में जोड़ देंगे मेन के साथ। जो मीटर से मेन आएगा उसके साथ इसको इसी में जोड़ देंगे। और दोस्तों यहाँ जो है इस घर में अर्थिंग नहीं हुआ है, तो अर्थिंग नहीं हुआ है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक जो है नट लगा है, नट बोल्ट, इसमें क्या करेंगे, इस सारे अर्थिंग वाले वायर को इसी में टाइट कर देंगे। अर्थिंग के लिए यहाँ पे जो है पिन नहीं दिया गया है, जिसमें पॉइंट नहीं दिया गया है जिसमें अर्थिंग टाइट किया जाता है, तो क्या किया, एक तार बांध दिया है, क्योंकि इस घर में अर्थिंग नहीं हुआ है, तो इस तरीके से तार बांध कर और यहाँ पे टेप बांध दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से दोस्तों टेप मार कर और इसको क्या करेंगे, यहीं इसी जगह पे घर डालकर और इस तरीके से इसको अंदर कर देंगे सारे अर्थिंग को। एक न्यूट्रल और फेस जो मीटर के पास से आ रहा है, इसको क्या करेंगे, मीटर के पास से आ रहा है तो क्या करेंगे, एसुलेटर के नीचे वाले पॉइंट में इसको टाइट करना है। देखिए बारी बारी से एसुलेटर के नीचे वाले पॉइंट में इसको टाइट कर लेंगे। देखिए न्यूट्रल टाइट हो गया और उसके बाद फेस को टाइट करेंगे। कभी भी एसुलेटर के नीचे वाले पॉइंट में ही डायरेक्ट जो है न्यूट्रल फेस आता है और ऊपर से आउट होता है। तो ऊपर से आउट करने के लिए क्या किए हैं, एक छोटा सा टुकड़ा तार काट लिए हैं, ये न्यूट्रल के लिए हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये न्यूट्रल के लिए हो जाएगा और दूसरा तार जो है, देखिए यहाँ पर इतना बड़ा तार टुकड़ा मार लिया, तो क्या करेंगे, एक्सीलेटर के दूसरे वाले पॉइंट में इसको जो है टाइट कर देंगे। दोस्तों ये 4 mm का तार है और जो है एक ही कलर में है, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल रहा। अब देखिए एक्सीलेटर के नीचे वाले पॉइंट में तो दोनों में न्यूट्रल फेस डायरेक्ट आ चुका है, उसके बाद ऊपर से आउट करेंगे तो दोनों में से न्यूट्रल फेस निकलेगा। तो एक न्यूट्रल क्या करेंगे, न्यूट्रल वाले पॉइंट में टाइट कर देंगे, दूसरा वाला फेस का क्या करेंगे, इस तरीके से इधर नीचे घुमा के ले आएंगे। यहाँ से जो एमसीबी लगाए हैं 6 MCB, इसके एक पॉइंट को खोल लेंगे, जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे तीसरा वाला पॉइंट नहीं टाइट करना है, तो उसको जो है खोल लिए हैं। उसके बाद इस तीसरे वाले पॉइंट में इसको इस तरीके से तीसरे वाले पॉइंट में रख कर और टाइट कर देंगे। देखिए तीसरे वाले पॉइंट में टाइट कर दें। तो दोस्तों तीसरे वाले पॉइंट में टाइट करने के बाद देखिए यहाँ से पत्ती जो लगाए थे, अब क्या होगा, ये नीचे जैसे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में फेस दिया जाता है, इसी तरीके से एमसीबी के नीचे वाले कुल जितने भी एमसीबी लगा होगा वो सारे में एक जैसे लाइट आ जाएगा, मतलब आपस में कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से सारे एमसीबी में कनेक्ट हो चुका है। अब जब इस एमसीबी को उठाएंगे तो एक तार में फेस जाएगा, दूसरे वाले को उठाएंगे तो दो तार में, मतलब जितने एमसीबी उठाएंगे। ये एसुलेटर किस लिए दिया जाता है कि दोस्तों अगर कुछ हो जाता है, एसुलेटर ट्रिप नहीं होता, बहुत
मुश्किल से ट्रिप होता है। अगर आपको लाइट बंद करना है, पूरे घर का लाइट बंद करना है, तो इसको बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं एक ही जगह से। अगर कोई बात हो गया तो एक MCB कब तक उठाएंगे गिराएंगे, इसलिए ये एक्सीलेटर जो है लगाया जाता है। तो दोस्तों फेस जोड़ने के बाद आप देखिए न्यूट्रल का तार है, न्यूट्रल का तार को क्या करेंगे, एक न्यूट्रल नीचे भी ले जाना है तो इसको क्या करेंगे आपस में इस तरीके से जोड़कर, और यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए मेन है, तो मेन में क्या करेंगे इस तरीके से इसको जोड़ देंगे। देखिए मेन है तो मेन में इसको इस तरीके से जोड़ देंगे, देख रहे हैं जुड़ गया। अब इस न्यूट्रल के तार को इधर साइड में कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो है MCB का कनेक्शन किया जाता है। देखिए दो तार जो है न्यूट्रल फेस आया है मीटर के पास से, उसको क्या किया एक्सीलेटर के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ दिया, ऊपर वाले पॉइंट से आउट किए एक न्यूट्रल एक फेस, न्यूट्रल को क्या किया न्यूट्रल वाले पॉइंट में जोड़ दिया, फेस वाले को क्या किए ये जो MCB के नीचे वाला पत्ती जो लगा है सारे MCB को कनेक्ट किए हैं पत्ती लगाकर, उसके किसी एक पॉइंट में इस फेस को ले आकर इधर से डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से MCB का कनेक्शन किया जाता है। एक्सीलेटर जो है एक बार अगर नीचे गिराएंगे तो पूरे घर का लाइट कट जाएगा, अगर ऊपर का गिराएंगे ऊपर को करेंगे तो पूरे घर की लाइट आ जाएगी। अगर एक MCB एक गिराते हैं तो एक रूम का जाएगा, अगर जो कहें किचन का होगा किचन का, बाथरूम का होगा बाथरूम का, चाहे किसी का भी रूम का होगा, अगर एक MCB गिराते हैं तो उसी जगह का लाइट कटेगा, मगर एक्सीलेटर जब गिराएंगे तो पूरे घर का लाइट कट जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए।